सुहानी, ये लैम्प कैसा रहेगा निरंजन सर के लिए? इट्स सो ब्यूटीफुल एंड एंटीक। एंटीक तो है, पर यार इसमें कुछ हटके नहीं है। निरंजन सर हमारे आर्ट प्रोफेसर हैं, तो हमें उनके लिए ना बहुत ही आर्टिस्टिक गिफ्ट लेना चाहिए, नॉट दिस। यू आर राइट, बट यार इतना भी बुरा नहीं है। आई रियली लाइक इट, बट ठीक है, इफ यू आर सेइंग, हम कुछ और देख लेते हैं। बहुत बुरा है, चल। राधिका, come here. Look what I found. This is beautiful. भैया, ये बॉक्स में क्या है? मैम, ये तो नहीं मालूम मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरे सेट आने वाले हैं, उन्हें यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा मालूम है। वैसे आप चाहें तो खोलकर देख सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम मैम। What is this? Wow. This is stunning. यार हम सबको ये दे रहे हैं। No, no ways. This is so ugly. Ugly? Yes. कहाँ से यार? It's so artistic. And it feels so alive. यार, जिसने भी ये बनाया ना, बड़े passion के साथ बनाया। यार सबको ये बहुत पसंद आएगा। I'm telling you, we're taking this. No, yes. This is not nice. Yes. चल। सेठ जी नमस्कार। सेठ जी ये लीजिए 2000 रुपए। ये समझिए ये पूरा प्रॉफिट है। आज मैंने बहुत बड़ी सेल की है। अच्छा, ऐसा क्या बेच दिया तुमने? सेठ जी वो जो बॉक्स पड़ा था ना कोने में, जिस पर धूल जम रही थी, वो मैंने दो लड़कियों को 2000 रुपए में बेच दिया। ये क्या किया तूने? किससे पूछ के बेचा? उस पे कोई प्राइस टैग था? नहीं था ना? तो क्यों बेचा वो? सेठ जी, मुझे लगा आप खुश होंगे। कौन थी वो लड़कियां? कहां रहती है, कुछ पता तुझे? सेठ जी ये तो नहीं मालूम, बस पैसे दिए और चली गई। हेलो। हेलो, क्या बात है निरंजन, क्यों फोन करते रहते हो तुम यहाँ पर? तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं किया, मुझे
मेरी दिया से बात करनी थी, कैसी है वो? लुक, शायद तुम भूल चुके हो, कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिया है, ना तो तुम दिया से मिल सकते हो और ना ही तुम उसे फोन पे बात कर सकते हो, सो प्लीज मुझे फोर्स मत करो कि मैं पुलिस की हेल्प लूं, डू यू अंडरस्टैंड दैट? देखो सुमन, आज मेरा जन्मदिन है एंड आई एम श्योर दिया मुझे विश करना चाहेगी, आज के दिन मुझे उसके साथ स्पेंड करने दो प्लीज। जस्ट शट अप निरंजन, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। ओह, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट। वाकई बहुत खूबसूरत बॉक्स है, लवली गिफ्ट, थैंक यू सर। गिफ्ट ये नहीं है, रियल गिफ्ट इसके अंदर है। ओह रियली, दैट्स नाइस। ठीक है, मैं इसे बाद में देखूंगा, पहले क्लास शुरू करते हैं। नहीं सर, एक बार खोल के तो देखिए। Actually, हम सब काफी excited है आपका reaction देखने। Yes, sir. Please, sir. Please, sir. Please. Okay, okay, okay. Piece of art. Beautiful. Say this sir, but this mask is looking really funny. वो तो सुहानी ने जिद करके ले लिया, but ये बहुत ही ugly mask है, कहीं से piece of art नहीं लगता। चलो आई लव द क्लास टुडे, आई नो इट्स सो मच फन। वैसे निरंजन सर हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक उन्होंने इस अगली मास को वर्क ऑफ आर्ट नहीं कहा था। शट अप राधिका, तुम बहुत मीन हो यार। ए, मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है। I'll see you outside. Okay, I'll see you in 2 minutes. Okay, bye. Bye.
सर प्लीज कुछ करिए, सर प्लीज कुछ करिए, आप कुछ करते क्यों नहीं सर? दरवाजा खोलिए ना सर, सर आप कुछ कर क्यों नहीं सर, प्लीज कुछ करिए ना सर। बाय। ये राधिका क्यों नहीं आई? राधिका क्या कर रही है ये अंदर? राधिका यार, इस वक्त यहाँ पर तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। होना तो चाहिए था पापा, पर आपको पता है ना, अगर मैं मम्मी से पूछती तो वो मुझे यहाँ कभी नहीं आने देती, तो बस स्कूल बंक मार दिया। That's not nice, बेटा। स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं होती। आप मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमसे बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं। तो अच्छा लगा आपको अपना बर्थडे गिफ्ट? ऑफ कोर्स, इससे बढ़िया गिफ्ट हो ही नहीं सकता। ओके, अभी गिफ्ट भी मिल गया तो अभी पार्टी तो देनी पड़ेगी आपको। चलो डन, मैं जल्दी से जूते पहन के आता हूँ, ठीक है? तुम तो वेट करो, मैं पहुंचता हूँ। वाओ, कितना प्रिटी बॉक्स है ये। कितनी बार समझाया तुम्हें, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने और ना ही उस स्कूल ने जो तुम बक करते रहती हो, बेवकूफ। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप मुझे गिरा के डांट रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो मैं नहीं देख सकती? चुप, बिल्कुल चुप। अब कोई सवाल जवाब नहीं। बेटा बेटा, आई एम रियली सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। दीव बेटा, पापा ने कहा ना, आई एम रियली सॉरी, गुस्सा आ गया था मुझे। मैं पर पापा, आपने मुझे से कभी नहीं डांटा। मैं जानता हूँ बेटा, पापा सॉरी। लेकिन ऐसा क्या है इस बॉक्स में जिसको लेकर आपको इतना गुस्सा आ गया था? है कुछ ऐसा जो मैं नहीं चाहता कि तुम देखो। और बस इस बारे में और सवाल नहीं। मैंने तुम्हें सिखाया है ना, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हुँ.
एनीवेज तुम आज मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच एंड आई प्रॉमिस अब हम रेगुलरली मिलेंगे. ओके ओके बाय पापा. बाय बेटा. सी यू सून. Good morning, everyone. Settle down, please. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे. मास्क बनाने का आर्ट यानी नकाब बनाने की कला. बट सर, आज तो आप ब्रश स्ट्रोक की टेक्निक सिखाने वाले थे. तो क्या हुआ? मैं अपना प्लान बदल नहीं सकता. मूड चेंज हो गया मेरा. क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे चेहरे पे तो कोई नकाब नहीं है. वैसे हर चेहरे के पीछे एक नकाब होता है और हर नकाब के पीछे एक चेहरा जिसे लोग अपने गुनाहों और गलतियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सच्चाई जाननी हो तो उसे मास्क पहना देना चाहिए. नकाब बनाना भी एक कला है और उसे निभाना भी. मुझे तुमसे अभी बात करनी है. सुमन, अभी मेरी क्लास चल रही है. Listen, I don't care कि तुम्हारी कोई क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे. Guys, this is my wife. As you can see, she is very angry. Excuse me? मैं गुस्से में जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं हूँ. और हाँ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग करने आई. आज के बाद अगर तुम रिया के आसपास भी दिखाई दिए, तो you'll get arrested. उसके बाद क्लास करते रहना अपनी जेल में. This is my last warning to you. और मुझसे दूर रहो. पर हाँ, अगली बार मैं नहीं आऊंगी, पुलिस आएगी. जस्ट रिमेंबर दैट. मैं ऐसा नहीं कर सकता. वो जैसी भी है, लेकिन है तो दिया की मम्मी. मेरी बीवी है वो. तुम ही मतलब हेलो मॉम, मैं दिया बोल रही हूँ. दिया बेटा, तुम कहाँ हो? इतनी देर हो गई, कब तक आ रही हो? मूवी खत्म हो गई है, मैं आधे घंटे में घर पहुँच जाऊँगी. ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे. बाय.
कौन हो तुम? कौन हो तुम? रंजन, मैं जानती हूँ निरंजन, ये तुम ही हो। शर्म नहीं आती? मुझे मालूम था तुम ऐसी हरकतें करोगे। यही है तुम्हारी औकात। अभी भी सुधर जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। बहुत अजीब बात है ना, निरंजन सर की वाइफ की डेथ भी ठीक उसी तरह हुई जैसे राधिका की हुई थी। सर भी कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं आजकल। और ये सब उस दिन से स्टार्ट हुआ जिस दिन उनका बर्थडे था। हाँ यार, पूरा दिन सिर्फ मास्क की ही बातें करते रहते हैं। वियर्ड यार, सीरियसली। मुझे ये सब करने को अच्छा नहीं लगता। मुझे, मैं नहीं करना चाहता ये सब। चुप। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे सब सच सच बताइए, क्या है उस मास्क का राज? मैं दुनिया भर से पुरानी प्राचीन चीजें इकट्ठी करके अपनी इस दुकान पे बेचता हूं। यहां से कुछ 1,500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। ये मास्क मैंने वहीं से खरीदा था। कहते हैं 100 साल पुरानी एक कहानी जुड़ी हुई है इस मास्क के साथ। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, ये मैं नहीं जानता। क्या है वो कहानी? कमला, तुम्हारे बाबा ने देखा तो नहीं आते? नहीं गोपाल, किसी ने नहीं देखा। छुपते छुपाते आई हूँ तुमसे मिलने। गोपाल, ये क्या बना रहे हो? पतंगा? बनाना था तो तितली बना दे। पतंगा भी तितली की तरह है, बस बेरंग। इसे परवाना भी कहते हैं। अगर पतंगे को आंकना है तो इसे दिए की लौ की खूबसूरती से आंको, जिसपे मर मिटता है पतंगा। लेकिन ये कितना भद्दा है। ऐसे मत कहो, ये तो मैं हूं। जिस तरह पतंगा दिए की लौ की खूबसूरती से खींचा चला आता है, उस तरह मैं तुम्हारे मोहब्बत में खींचा चला आता हूँ कमला। अच्छा, बच के रहना वरना इस पतंगे की तरह तुम भी जल जाओगे। मैं बचना चाहता भी नहीं, मैं तो खो जाना चाहता हूँ। गोपाल! चल उठ यहाँ से, उठ। तेरी वजह से पूरे गांव में मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। कमला, मेरा हाथ। तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं।
गोपाल की आत्मा आज भी उस मास्क में बसती है। क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं है ये। उस मास्क ने मेरी माँ की हत्या की है। मैंने खुद अपने हाथों से उस मास्क को उस बॉक्स में बंद करके रखा था ताकि किसी के हाथ ना लगे। कहाँ है वो मास्क? वो बेचने के लिए नहीं था। हमारे आर्ट प्रोफेसर के पास। ध्यान रखना, उस मास्क को किसी भी तरह की बेइज्जती पसंद नहीं है। कोई भी उसके खिलाफ या उसे पहनने वाले के खिलाफ अगर बोलेगा, कुछ गलत कहेगा, तो वो मास्क उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप शायद सही कह रहे हैं। राधिका ने उस मास्क को बदसूरत कहा था और सर की वाइफ ने भी ना क्लास में आके सर की इंसल्ट की थी सबके सामने, इसलिए वो दोनों। मैं क्या कर सकती हूँ? कैसे बचाऊं सर को उस मास्क से? प्लीज। जिसके पास वो मास्क है वो खुद ही अपने आप को उस मास्क से बचा सकता है। वो खुद अपनी इच्छा शक्ति से उस मास्क से लड़कर बच सकता है, वरना और कोई भी उसे नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं। आओ बेटा। तुम्हारा कमरा ऊपर है। हाँ, मैं तुम्हारा सामान भी ऊपर रख देता हूँ। अगर मैं उस फ्रेंड के साथ मूवी देखने ना गई होती तो आज मम्मी मेरे साथ होती है ना पापा? वो सिर्फ एक हादसा था, उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। देखो बेटा, जिस दिन हमें जिंदगी मिलती है ना, उसी वक्त हमारा मौत का समय भी तय हो जाता है। उन दो पलों के बीच हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं ये हम पर निर्भर है, बाकी और कुछ नहीं। आ, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना। से डर गई? ये तो पतंगे हैं, इनसे डरने की कोई बात नहीं, खेलो इनसे, खेलो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा। Thank you.
मास्क उतार दीजिए, ये कोई नॉर्मल वर्क ऑफ आर्ट नहीं है, इसमें एक आत्मा है। आई स्वेयर सर, प्लीज बिलीव मी, सर मैं सच कह रही हूँ, प्लीज प्लीज ये मास्क उतार दीजिए।
गया पापा। मास्क को कहीं गाड़ देना होगा ताकि ये किसी और के हाथ ना लगे, ठीक है? पार्टी में रमेश ने बॉस के सामने उसकी सेक्रेटरी को भाभी जी कह दिया। यू नो, उसके बाद बॉस का चेहरा देखने लायक था। ना, सो फनी ना। पापा, मुझे कुछ मिला है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। पापा, मैं वो पेड़ के नीचे खड्डा खोद रहा था अपना विशिंग बॉक्स छुपाने के लिए, तो वहां मुझे ये मिला। बहुत खूबसूरत है, नहीं?